सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की स्टडी हम करते हैं सिलाई मशीन से, क्योंकि पापा हाल ही में कैंटीन से मशीन लेके आए थे सिलाई मशीन, तो वो मतलब अभी निकाली नहीं है, अभी तक किसी ने उससे सिलानी। तो आज हम सोच रहे हैं कि उस मशीन से कुछ सिला जाए, क्योंकि आज भैया का एक पैंट है वो फट चुका है, तो भैया कह रहा है कि इसको सिल दे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सिलाई की जाए, और मैंने बीच में थोड़ा बहुत सिलना सीखा था, तो देखते हैं कि मुझे याद है या मैं भूल गई हूँ सिलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भैया मशीन लेके आ गया है, तो आप देख सकते हैं अभी तक का हमने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आज ही हम इसको स्टार्ट भी करते हैं। तो ये जो मशीन है वो है सिंगर कंपनी की, तो आज देखते हैं ये कैसे चलती है। पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे चलानी आती है या नहीं आती है करके। तो गाइस, अब सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। गाइस, यहाँ पे सिलाई मशीन निकाल तो दी है, पर यहाँ पे किसी को अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नई है, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा ये जो है ये नट्स फिक्स नहीं हुए हैं, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। गाइस, यहाँ पे अब सबसे पहले हम ताला लगा डालते हैं, उसके बाद तो हम सिलते हैं पैंट। तो गाइस, पापा ने अभी बड़ी मुश्किल से ये जोड़ा है। ये है, ये अभी तक लगा नहीं था, हमें पता नहीं था कि इसको ठोक के डालते करके इसके अंदर, हम कब से घुमाने में थे और ये लगा नहीं, और भैया इससे परेशान हो गए, मुझे डांट के यहाँ से चले गया था। तो फिर उसके बाद पापा आए, फिर पापा ने ये लगाया, तो तब जाके ये मशीन बनी। तो गाइस, अब थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सिल लिया है, अब भूख लगी है, तो सबसे पहले अब हम खाते हैं खाना। तो गाइस, अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो अब पापा भैया सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी मैं धो लेते हैं बर्तन, उसके बाद हम लोग भी रेस्ट करते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा चावल और जो सब्जी थी वो बची थी, तो मम्मी बकरी को देने के लिए आई ऊपर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, शाम हो चुकी है, तो अब करते हैं खाने की तैयारी। आज खाने में हम बनाने वाले हैं आलू और मटर की सब्जी, तो आलू और मटर छिलते हैं। और आप देख सकते हैं मौसम, कब से बारिश भी नहीं हुई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि है फ़ोन पर दिख भी नहीं रहा है कि हाँ बारिश हो रही है, क्या पता रात तक का ज़्यादा आए बारिश, क्या पता ना आए। तो गाइस, बारिश भी नहीं आई, आप देख सकते हैं मौसम बाहर पर एकदम से साफ हो गया है, और मैंने यहाँ पे आलू और मटर और प्याज टमाटर काट दिया है। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे, क्योंकि आज गोलगप्पे खाने जैसी लगी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है गोलगप्पे का डब्बा, अब बनाते हैं गोलगप्पे। तो गाइस, ये मैंने आलू छील लिए हैं गोलगप्पे के लिए बॉईल करके, और ये है ये गोलगप्पे के पापड़, अब इसको मैं फ्राई करती हूँ तेल पे, तेल रखना है, और इसमें मेरी बन रही है आलू मटर की सब्जी, आलू मटर ऐसे कुकर में बना रहे हैं। बाकी ये इसलिए वो है, क्या कहते हैं चूरन, ये पानी बनाने के लिए है, खट्टा पानी, ये खट्टा मीठा, और ये है हमारा पुदीना पाउडर, ये हमारे पाउडर्स हैं।
तो गाइस यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो पापड़ फ्राई कर लेते हैं। तो मम्मी अब आग जला रही है रोटी बनाने के लिए, तो ये मम्मी जलाने लगी है आग यहाँ पे चूल्हे में। तो गाइज मम्मी यहाँ पे आटा गूंथ रही है और ये गोलगप्पे भी फ्राई कर लिए हमने और आलू का भी मिक्सचर बना लिया है। अब हम बनाते हैं गोलगप्पों का पानी। तो ये है जलजीरे का पाउडर, तो सबसे पहले बनाते हैं जलजीरे का पानी। तो ये है इमली का पाउडर और ये है खजूर का पाउडर, तो अब हम इन दोनों को मिक्स करके खट्टी मीठी बनाते हैं, खट्टा मीठा पानी बनाते हैं उनका। यहाँ पे खट्टा मीठा पानी भी तैयार हो चुका है। ये है जलजीरा का पानी, ये आलू, ये गोलगप्पे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम खाना। और ये मम्मी का आटा भी गूंथ के तैयार हो चुका है। मम्मी कैसे बने? तो गाइज अब हम लोगों ने खा लिया गोलगप्पे, तो अब हम बनाते हैं रोटी। तो मम्मी मैं जाते हैं किचन में रोटी बनाने के लिए। तो गाइज अब हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।